आज आपको सैर करा रहे हैं लीपा वैली में, खूबसूरत गांव चनिया पार्क में। ये चनिया पार्क गांव है लीपा वैली का। तो हम जा रहे हैं इस वक्त मुंडा कली, यहाँ पे एक सियासी मुकाम है, वहाँ पे जा रहे हैं और आपको रास्ते के तमाम तफसील और व्यू दिखाएंगे। देखिए कितने प्यारे व्यू हैं इस वक्त मेरे पीछे। तो आज का जो हम विज़िट है वो चनिया गांव से, चनिया गांव लीपा वैली का एक खूबसूरत गांव है और वहाँ से हम मुंडा कली के लिए जा रहे हैं। तो बाकी रास्ते की तफसील आपसे शेयर करते हैं, तो हमारे साथ चलिए आपको भी दिखाते हैं। तो फिर आ जाएँ चनिया गांव में, हम आपको इस वक्त व्यू दिखा रहे हैं। देखें कितने सारे चश्मे यहाँ पे चल रहे हैं, जगह जगह पे आपको चश्मे नज़र आएंगे और ख़ूबसूरत व्यू है यहाँ का, चनिया गांव का। तो आज जो हमारा मिशन है वो चनिया गांव से मुंडा कली का है। तो देखते हैं रास्ते के व्यू कैसे हैं और आपको भी दिखाएंगे रास्ते के व्यू। ये चनिया गांव का एक खूबसूरत व्यू है नाले का, और ये देखें आपको दिखा रहे हैं हम इस वक्त लीपा वैली से ये खूबसूरत व्यू, जो कि बहुत ही देखने से तलक रखते हैं। ये देखें और यहाँ पे ये पंच चक्कियाँ लगाई हुई हैं जिनसे ये गंदम वगैरह जो है वो पीसते हैं। और ये दिखाते हैं आपको चनिया पार्क का बोर्ड, ये देखें तो बहुत खूबसूरत इस वक्त व्यू है, पहाड़ और बादल हर चीज़ की हम आपको तफसील बता रहे हैं। ये देखें सियासी खेमा बस्ती वादी लीपा, यहाँ पे इन्होंने ये मतलब पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये भी आपको दिखाते हैं कौन से पॉइंट। ये मुंडा कली स्नोकोट शम्मसबरी व्यू पॉइंट है यहाँ के, और ये लीपा वैली के मशहूर पॉइंट है विज़िट करने वाले हैं। तो नाज़रीन इस वक्त लीपा वैली के आपको खूबसूरत व्यू दिखा रहे हैं, यहाँ पे पहाड़ चश्मे, ये आपको दरिया बहता हुआ नज़र आ रहा होगा, इसकी आवाज़ देखिए कितनी खूबसूरत, और ये इस तरह घूम फिर के यहाँ पे अपनी खूबसूरती में इजाफा कर लेता है। रास्ते के व्यू आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं थोड़ी थोड़ी तफसील, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं व्यू से व्यू जो है वो तब्दील होते जा रहे हैं और मज़ीद इसकी खूबसूरती में इजाफा होता जा रहा है। तो नाज़रीन ये पहला पॉइंट आया है टूरिस्ट के हवाले से, खेमा बस्ती सियासी मकाम, यहाँ पे आपको दिखाते हैं तफसील मज़ीद कि यहाँ पे है क्या चीज़ें देखने वाली। तो आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ के क्या हालात हैं और बरसरे रोज़गार लीपा वैली, ये देखें ये आपको बोर्ड हम दिखा देते हैं। तो ये वो खेमा बस्ती है जहाँ पे टेंट लगाए हुए हैं, तो देखते हैं कि इनका ये रेंट क्या लेते हैं यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे एक्टिविटी भी हैं। अच्छा ये भाई हमें अंदर से जो खेमा बस्ती के नाम से ये सियाती मुकाम बनाया है ना वो दिखाने लगे हैं और इनसे पूछते हैं कि ये इनका रेंट क्या लेते हैं यहाँ से। ये देखें ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस पे आपको अंदर से भी दिखाते हैं, ये अरशद साहब हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं टेंट और इनका इनसे रेंट भी हम पूछेंगे। ये देखें जी ये अंदर से देखें, ये दो कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, इसी तरह ये दो सिंगल बेड हैं और खूबसूरत है बहुत ही अंदर से। तो अरशद साहब इनका रेंट क्या होता है? दो हज़ार पच्चीस सौ कितने अफराद होने के? दो तीन अफराद के लिए। तो ये क्या बुकिंग करवानी पड़ती है या मिल जाते हैं जब भी आए? नहीं बुकिंग पहले करवानी पड़ती है, वैसे मिल भी जाते हैं जब मिल भी जाते हैं। तो अपना नंबर बता दें ज़रा। 355 ठीक है, 633 2014 ठीक है, एक बार ज़रा ना ऊँची आवाज़ में बता दें। 355 633 2014
ठीक हो गया। नाम क्या बताया? मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद, तो आप यहाँ पे किस हवाले से होते हैं? नहीं, मेरे रिश्तेदार हैं, कुछ नहीं है ना। अच्छा, वो इधर घर गए हैं अभी। ठीक, वैसे मेरे काम शुरू थे। अच्छा, ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। शुक्रिया जी अरशद साहब। तो नाज़रीन, आपने देखा कि अरशद भाई ने हमें बताया कि इनका रेंट जो है वो 2500 से लेकर 2000 रुपये तक है। तो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है यहाँ की, खेमा बस्ती। ये पहला पॉइंट आया है, तो इंशाल्लाह बाकी भी आपको हम आगे दिखाते हैं कि आप आगे क्या क्या पॉइंट है। तो नाज़रीन, ये वो खेमा बस्ती है, चन्निया गांव से कोई 250 मीटर के फासले पर है। तो देखे कितना खूबसूरत मकाम है, और साथ में एक खूबसूरत सा चश्मा भी चल रहा है। और ये देखें व्यू यहाँ के, बहुत ही ज़बरदस्त, अमेजिंग, एक्सीलेंट। तो आप भी यहाँ पे आएँ। अभी हम आपको खेमा बस्ती से आगे मुंडा गली मुकाम है उसकी जानिब लेके जा रहे हैं। तो व्यू दिखा रहे हैं आपको यहाँ से, खूबसूरत व्यूज़ हैं। चन्निया से मुंडा गली का जो रास्ता है वो काफ़ी हाइट वाला रास्ता है, और इसकी काफ़ी हाइट पे जाना पड़ता है हमें। जो यहाँ के मुकामी हैं उनको तो इन रास्तों की आदत हो जाती है ना, लेकिन हमें नहीं। लेकिन ये देखें कितना बड़ा दरख्त गिरा हुआ है और काट लिया लोगों ने। ये देखें यहाँ पे दरख्त स्लाइडिंग की वजह से गिरे हुए हैं। ये देखें स्लाइडिंग हुई है पहाड़ की। रास्ता जो है वो चन्निया तक जाने के लिए क्लियर किया हुआ है। बाकी नीचे के व्यू दिखा रहे हैं, ऐसा ऐसा से हम हाइट की तरफ आते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अक्सर स्लाइडिंग भी होती रहती है बारिश के दिनों में। आए तो मौसम 3 दिन हो गए हैं तकरीबन, बहुत खूबसूरत मौसम है, धूप निकली हुई है। तो बाकी हम आपको आगे भी दिखाते हैं। फिर आपको एक ख़ास बात बताता चलूँ कि जब हम निकलते हैं ना चन्निया गाँव से मुंडा कली के लिए, तो रास्ते में बस्ती खेमा आती है, उससे चंद कदम के फासले पे ये चश्मा हम आपको जो दिखा रहे हैं ना, ये शुगर से शिफा के लिए है। जिन लोगों को शुगर होती है ना, वो इस चश्मे का पानी इस्तेमाल करते हैं, तो उनको इससे शिफा मिलती है। सुनने में यहाँ पे यही है, मकामी लोगों ने भी हमें यही बताया कि ये शुगर के लिए बेहद मुफीद पानी है। तो अगर आपका यहाँ पर कभी विज़िट हो तो इस चश्मे का पानी ज़रूर किसी ना किसी के लिए ले कर जाए। अभी मैं आपको पीकर दिखाता हूँ कि इसका जायका कैसा है। इसका जायका काफ़ी हद तक पानी का फ़र्क है, लेकिन बहुत ही लजीज इसका जायका है, और पीने में भी बेहद फ़ायदेमंद है। तो ये देखें, आपको दिखाते हैं कि थोड़े थोड़े ये कतरों की शक्ल में यहाँ से पानी गिर रहा है, और इसको शुगर से शिफा के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। और हम इस वक्त मौजूद हैं लीपा वैली के एक खूबसूरत गांव चन्निया में, और यहाँ से हम आपको ये व्यू दिखा रहे हैं। क्योंकि ये आप हमारी हालत देख रहे होंगे, ये इस वजह से है कि बारिश हो रही है, और बारिश में हम जो है ना ट्रैवल कर रहे हैं। तो चलते हैं, फिर बाकी व्यू भी आपको दिखाते हैं। लीपा वैली की छुपी हुई खूबसूरती जो है उसको तलाश कर रहे हैं। तो ये लास्ट से पूछते हैं, अब्दुल्ला बताओ कैसे हालात है मौसम के? मौसम के हालात, थोड़ी गर्मी लग रही है जैकेट पहन के, लेकिन हाइट पे जा रहे हैं इसलिए लग रही है गर्मी। वैसे तो बहुत खूबसूरत मौसम है, सर्दी सर्दी सी लग रही है। तो ये देखें कितने बड़े बड़े दरख्त हैं, और लश ग्रीन एरिया है ये। तो यही चीज़ें देखने वाली होती हैं पहाड़ी इलाकों की। तो चलते हैं फिर, बाकी भी आपको व्यू जो है मुंडा कुली के दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, और ग्रीनरी और नज़ारों की बात करें तो पूछें ही ना, एक से एक बढ़कर जो नज़ारे हैं, नज़र ही नहीं हटती इनको देखते हुए। और सबसे बड़ी बात जो है ये कि बहुत ही खूबसूरत वादी है ये लीपा। ये देखें माशाल्लाह, पता चलता है कि किसी लश ग्रीन एरिया की
सैर के लिए हम आए हैं, तो यहाँ पे आप बाइक पे भी आ सकते हैं। मुजफ़्फ़राबाद से लीपा वैली के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आसानी से दस्तयाब है, और मुजफ़्फ़राबाद से लीपा वैली तक के लिए जो है 900 रुपया किराया है, और ये आपको यहाँ लीपा वैली में उतारेगी। वहाँ पे आपको गेस्ट हाउस भी मिल जाएंगे और बहुत खूबसूरत लोकेशन, व्यू पॉइंट, आपको पूरा पूरा इंजॉयमेंट मिलेगा यहाँ से। तो आप आएँ यहाँ पे विज़िट करें। तो आज का जो हमारा विज़िट है वो है चनिया गांव से मुंडा कली वहाँ तक के लिए जा रहे हैं, तो बाकी व्यू दिखा देंगे आपको। अच्छा ये देखें सूरजमुखी का खूबसूरत फूल, और बारिश फिर हल्की हल्की होनी शुरू हो गई है। तो चल, ये मुमताज़ गेस्ट हाउस है यहाँ पे मंडा कली बेला के रास्ते में, और ये ऊपर नंबर भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें इस नंबर पे आप यहाँ पे भी बुकिंग करवा सकते हैं। तो आगे चलते हैं, बाकी भी आपको खूबसूरत व्यू दिखाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा पॉइंट आ गया है, और यहाँ से हमने चंद गज के फासले पे अपनी मंजिल पे पहुँचना है। बारिश जो है हो रही है, और देखें कितना लश ग्रीन। अब हम उस मैदान में पहुँचने वाले हैं जहाँ पे हम आए हैं मुंडा कली। ये देखें घर कितने प्यारे बने हुए हैं, घर यहाँ पे देखने से तल्लक रखता है ये एरिया। देखें तो बहुत खूबसूरत एरिया है, लेकिन इस जैसा लीपा वैली जैसा एरिया जो है ना हमने वो कम ही एक्सप्लोर किया है जी। ये यहाँ पे हम आ गए हुए हैं, तो ये है न्यू अबैद होटल एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पे भी आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, और ये मुंडा कली के मकाम पे इस वक्त हम मौजूद हैं। देखें बारिश हो रही है यहाँ पे भी, तो आगे भी व्यू दिखाते हैं। देखें एहतियाती तदाबीर के तौर पे ये बोर्ड साइन किया हुआ है। अच्छा ये मुंडा कली का एक खूबसूरत सा मैदान है जहाँ पे हम आए हैं, और टूरिस्ट हजरात इसी जगह का विज़िट करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत एक मैदान है यहाँ का ये। अच्छा ये मुंडा कली का खूबसूरत मैदान है जहाँ पर ये देखें क्रिकेट हो रही है, और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, यकीन करें नाज़रीन। अच्छा जी मुंडा कली में हम इस वक्त मौजूद हैं, जो कि लीपा वैली का एक बहुत खूबसूरत पॉइंट है, पिकनिक पॉइंट। ये एक मैदान बना हुआ है, यहाँ पे लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, और बहुत ही पुरसकून जगह है ये, और देखने से तल्लक रखती है ये। ये देखें कितना खूबसूरत मैदान है। तो बारिश हो रही है, और हमने एक कोशिश ये की है कि हम यहाँ पे आके ना अपनी चाय वगैरह का इंतज़ाम करें, क्योंकि हमने गेस्ट हाउस भी हैं यहाँ पे, लेकिन हमने अपनी ही रेस्टोरेंट की चाय बनाने की कोशिश की है। तो कुछ दोस्त हैं हमारे साथ, ये मेरा बेटा है अहमद, और बाकी ये फौज है हमारे साथ, तो आग जलाने में मसरूफ़ है। और ये देखें व्यू दूसरे पत्थर लीपा वैली के, बादल भी गरज रहे हैं यहाँ पे, बहुत शोर है बादलों का, और बारिश उस पर और हसीन मंतर जो है वो बना रही है यहाँ पे। तो नाज़रीन आए यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत विज़िट करने वाली जगह है लीपा वैली की, यहाँ तक आप अपनी गाड़ी पे आ सकते हैं आसानी से। ये देखें नाज़रीन, ये देखें लीपा वैली में हमने जो चाय तैयार की है वो हम पी रहे हैं, बारिश हो रही है। ये देखें आपको यहाँ का मंदिर दिखा रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा
जैकेट्स पहनी हुई हैं हमने, सर्दी हो गई है तो बारिश में इंजॉय हो रहा है। तो आप भी यहाँ पे आएंगे जब तो आपको ऐसा भी माहौल मिलेगा, और बहुत खूबसूरत लोकेशन है यहाँ की लिपा वैली में। बस कोई जन्नत का मंजर है। हाँ जी, वेला ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं यहाँ पे। हाँ। बारिश हो रही है, खामोशी है, जन्नत का मंजर है जन्नत। बिल्कुल, ये देखते जाएं जी, बड़ा खूबसूरत व्यू है लीपा वैली में मुंडा कुली के मकाम पे। तो बड़ा मज़ा आ रहा है हमें, हमने यहाँ पे कुकिंग की है चाय की। ये देखें जी, तो कहते क्या मौसम आया है। लीपा वैली के खूबसूरत व्यूज, मुंडा कुली के मुकाम के व्यूज देख सकते हैं। ऊपर से बादल भी आए हुए हैं और एक ज़बरदस्त व्यू लोकेशन है यहाँ की, ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे। और अखरोट जो है यहाँ पे कसरत से पाए जाते हैं। ये जी, हम यहाँ पे आए थे तो हमारी कुछ लोग जो है ना वो आगे की तरफ निकल गए हैं, तो बारिश, ये देखें बारिश हो रही है। हमने यहाँ पे किसी के घर में स्टे किया ताकि बारिश से थोड़ा बचा जा सके। बाकी बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे। एक तो खामोशी है और ऊपर से ये देखें माशाल्लाह से व्यू, तो ऐसे हैरान कर देने वाले, परेशान कर देने वाले व्यूज़ हैं कि यकीन करें मुंह से सिर्फ एक ही दुआ निकलती है कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को कितना खूबसूरत बनाया है। तो बाकी ये मकई लगी हुई है और ये अखरोट भी लगे हुए हैं यहाँ पे, अगर आपको नज़र आ रहा होगा अभी और करीब करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये अखरोट लगे हुए हैं। तो एक बहुत ही सहर तारी कर देने वाला मंजर है ये, बरसात के मंजर काफ़ी हमें पसंद है। तो ये लीपा वैली में एक टूरिस्ट के लिए बनाया गया एक खूबसूरत मुकाम है मुंडा कुली। और हम यहाँ पे इस वक्त किसी के घर में मौजूद हैं क्योंकि बारिश की वजह से हमने थोड़ा स्टे किया है किसी के घर में। तो लोग भी अच्छे हैं, तावन करते हैं, बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ के। अच्छा, ये देखें मेरा कैमरा आपको मंजर दिखा रहा है, बहुत ही खूबसूरत मंजर है। पहाड़ों के ऊपर, बल्कि पहाड़ों से ऊपर भी बादल हैं और ये देखें नीचे भी बादल कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, ये देखें। तो बाकी इस तरफ का भी आपको व्यू दिखाते हैं, ये देखें माशाल्लाह। तो क्या कह सकता हूँ इस मंज़र के लिए, तो अल्फाज ही नहीं मिल रहे कि पल पल में जो है ना वो मंज़र बदल जाते हैं यहाँ पे। ये देखें, और ऊपर से मकई, लश ग्रीन एरिया, पुरसकून साफ सुथरा माहौल, आबो हवा, और बिल्कुल दिल दिमाग को सुकून देने वाला मंज़र। अच्छा, ये बादल और पहाड़ जो है ना देखें एक कितना खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे हैं, ये देखें बारिश में मुर्गियां एंजॉय कर रही हैं।
यहाँ पे बड़ा मज़ा आया हमें यहाँ तक आने के लिए। तो तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर का ये ट्रैक है, खूबसूरत ट्रैक है और सरसब्ज पहाड़ों से भरा हुआ एक ट्रैक है। तो आप चन्निया से मुंडा कली के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। यह घूमते आज़ाद कश्मीर की तरफ से एक छोटा सा सियाहती मकाम बनाया गया है, तो विज़िट करें और इंजॉय करें कश्मीर लिपा वैली की खूबसूरत नज़ारों को। तो अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं किसी और मकाम पे लिपा वैली में। तो तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।